जिला सोलन के साधुपुल में पतंजलि योगपीठ संस्थान को लंबे अंतराल के पश्चात भूमि वापस मिल गई है। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव जी ने उस समय की भाजपा सरकार से स्थानीय लोगों को हिमालय के बहुमूल्य जड़ी बूटियों से अवगत करवाकर रोजगार दिलवाने के उद्देश्य से ली गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार आसीन हुई और तभी कांग्रेस सरकार द्वारा इस जमीन की लीज डीड को रद्द करवा इसे सील करवा दिया गया। इस संस्थान सारथी व पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के महासचिव आचार्य बालकृष्ण अधिवक्ता के साथ साधुपुल संस्थान में पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही स्थानीय लोग बेहद उत्साहित हुए और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आचार्य बालकृष्ण ने लोगों से संस्थानों को चलाने के लिए भरपूर सहयोग देने का आह्वान किया ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उनका सबसे पहला कार्य किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देना, जिसमें उन्हें फार्मिंग करने के आवश्यक टिप्स भी दिए जाएंगे, साथ ही किसानों से अनुबंध भी करेगा ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जाएगा। इसके अलावा पतंजलि योगपीठ साधुपुल में योग सिखाया जाएगा और आसपास के क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर उसके बाद में योग के प्रोग्राम्स, योग शिविर और आयुर्वेदिक सेवा, और उसके बाद में फिर हम शुरू कर देंगे यहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग का हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि वैसे भी उत्तरा ये अभी हिमाचल में ऑर्गेनिक को लेकर के काफ़ी जागरूकता बनी है और पूरे देश में भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, परंतु स्किल्ड यदि हम कहें कि फार्मर्स को ऑर्गेनिकली जो ट्रेनिंग करना बहुत अभी जरूरी है, तो कार्य भी पतंजलि क्योंकि हरिद्वार में कर रहा है उस अभियान को यहाँ शुरू करेगा। उसके बाद में हम लोग बायबैक एग्रीमेंट भी फार्मर्स के साथ करेंगे। उसमें यह रहता है कि सिंपल सा उनका सामान बाजार में बिकता है तो बेचे, नहीं बिके तो पतंजलि एक सपोर्ट प्राइस पहले से तय कर देगा, उस प्राइस पर ले लेगा, ऐसी भी हम योजना बनाएंगे।